सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एलजी लेके आ गए अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन वाइल्ड वर्ल्ड कांग्रेस में, एलजी का G8 थिन क्यू। तो यहाँ दोस्तों आज इस वीडियो को आगे तरीके से बात करता हूँ इसी नए फोन के बारे में। हम दोस्तों जानते हैं फिर क्या मिलने वाला है आपको एलजी की तरफ से इसी नए G8 थिन क्यू में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जल्दी से बात करते हैं पहले दो फोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों ये आता है अपने साथ में एक 6.1 इंचेस के क्वाड एचडी एमोलेड स्क्रीन के साथ में, जहां पर दोस्तों लगी है प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 5 की। और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है बिल्कुल स्टैंडर्ड डिजाइन 2019 के हिसाब से, थोड़ा सा डिफरेंट नहीं लगता है बिकॉज दोस्तों यहाँ पे नॉच भी है, नीचे चिन भी है। तो ये है दोस्तों एलजी के G8 थिन क्यू का डिस्प्ले। बात दोस्तों करते हैं अगर आप परफॉर्मेंस की, तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है यहाँ पे लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर। यहाँ पे दोस्तों 6GB की रैम है 128GB स्टोरेज के साथ में। और आपको दोस्तों मिलने वाला है यहाँ पे पीछे की तरफ में एक ड्यूअल कैमरा सेटअप, लेकिन हाँ अगर आप कोरिया में हैं तो यहाँ पे ये आएगा ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में। जहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल वेरियंट के ड्यूअल कैमरा सेटअप की, तो इसमें दोस्तों है एक स्टैंडर्ड 12 मेगापिक्सल का, और यहां पे दोस्तों एक कैमरा है सुपर अल्ट्रा वाइड 16 मेगापिक्सल का। और यहां पे अगर बात कर लें कोरिया की, तो आपको एक टेलीफोटो वाला एक्स्ट्रा कैमरा सिस्टम मिल जाएगा। यहां दोस्तों बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो इसमें सेल्फीज के लिए है एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन दोस्तों यहां पे आपको एक टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा भी मिलता है। मतलब यहां पे आप सामने की तरफ इसी स्पेशल कैमरा सिस्टम के चलते दोस्तों कुछ एडवांस्ड काम कर पाएंगे इसी नए एलजी के G8 थिन क्यू में, जिसके बारे में आपसे थोड़ा सा बाद में दोस्तों बात करता हूं। लेकिन यहां पे दोस्तों अगर हम करते हैं बैटरी की, तो ये आता है 3500 mAh की बैटरी के साथ में, जहां पर दोस्तों अगेन आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो मिलना ही मिलना है। और ये दोस्तों आता है पीछे की तरफ माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेके। तो ये दोस्तों बात हो गई है फोन में बेसिक स्पेसिफिकेशंस की और कंप्लीट पैकेज की। लेकिन अगर दोस्तों बात करते हैं इस फोन में उस फ्रंट फेसिंग स्पेशल टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा की, तो यहां पर दोस्तों ये आपको देता है ऑप्शन जिसको एलजी बोलता है हैंड आईडी, कि आप दोस्तों अपने हाथ से जो है वो दोस्तों अनलॉक कर पाते हैं इस फोन को। हालांकि थोड़ा सा गिमिकी लगता है, लेकिन ये दोस्तों आपका जो वेन्स का पैटर्न है उसके चलते आपके फोन को जो है वो अनलॉक कर देता है। अब ये किस लेवल तक सिक्योर है उसके बारे में दोस्तों खैर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो पैटर्न है वो कितना डिफरेंट होता है बाकी लोगों में, या फिर क्या कोई दूसरा जो है वो अपने हाथ से इसको अनलॉक कर पाएगा या नहीं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक और चीज कि आपको कुछ जेस्चर्स मिलते हैं जहां पर दोस्तों आप जो है वो अगर हवा में अपने हाथ को घुमाएं तो आप वॉल्यूम कम ज्यादा या फिर प्रीवियस ट्रैक या नेक्स्ट ट्रैक है दोस्तों, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई अगर आप गाना वाना सुन रहे हैं तो आप उसको अपने से कंट्रोल कर पाएंगे। ऑल्दो ये चीज भी इतनी बेग्ड मेरे को नहीं लगी, मैंने इसको यूज किया, कभी कभी ये चीज काम कर रही थी कभी कभी नहीं कर रही थी। लेकिन दोस्तों ये है यहां पे इसके अंदर एक खास चीज, जहां पे एलजी का एक तो हो गया हैंड आईडी, दूसरा दोस्तों यहां पे हो गया है आपके लिए ऑप्शन हवा में ही अपने हाथ घुमा घुमा के काम करने का। और बाकी दोस्तों यहां पे आपको फेस अनलॉक भी मिलता है, जहां पे अगेन क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा है तो ये दोस्तों होने वाला है और बहुत ज्यादा सिक्योर। और ये है कंप्लीट पैकेज इसी एलजी के G8 थिन क्यू का। अपने साथ में इसमें कुछ एकदम यूनिक नहीं है अगर आप बात करते हैं 2019 के फोन्स की, तो डिजाइन दोस्तों जो है वो थोड़ा सा डेटेड लगता है। लेकिन खैर देखना ये है कि इंडिया में एलजी इसको पहली बार तो कब लेके आता है, बिकॉज अगर एलजी बहुत लेट लेके आया ना तो मजा नहीं आएगा यार, पता नहीं क्यों। मतलब एलजी काफी बार डिले कर देता है, लेकिन दोस्तों अगर इसको जल्दी लेके आता है और एक काफी एग्रेसिव प्राइस पे लेके आता है तो डेफिनेटली लोग शायद इंटरेस्टेड होंगे इसी एलजी के नए G8 थिन क्यू में। बाकी दोस्तों आप बताओ कि आपको फोन कैसा लगा और आपका क्या है सोचना इसी फोन के बारे में, और किस प्राइस पे आप एक्सपेक्ट करते हैं इस फोन को जब भी आता है इंडियन मार्केट्स में। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कुछ पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।